भैया, असली मजे तो हम छोटी हाइट वालों के हैं। रजाई और कंबल में पूरे आ जाते हैं। और बताओ, नहा रहे हो आजकल या हाथ मुंह धो के ही काम चला रहे हो? बताओ। भाइयों, क्या शिकायत करें दिसंबर की? बेचारा वो तो खुद आखिरी सांसें ले रहा है। ठंड बहुत बढ़ रही है, अपनी पत्नी से बातें करते रहिए। वो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर आपसे कहेगी जिससे आपके तन बदन में आग लगती रहेगी। हाँ, 2023 खत्म होने वाला है। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो गलती उसी की रही होगी। आकर मुझसे माफी मांग ले। सोना, तुम जहां भी हो स्वेटर पहन लो, ठंड बढ़ गई है। हीरोइन गिरी अपनी जगह और ठंड अपनी जगह है। 2023 के अंतिम महीने में आ गए हैं। अगर किसी का हमने जाने अनजाने दिल दुखाया हो तो 2024 में भी तैयार रहिएगा, क्योंकि कैलेंडर बदलेगा, हम नहीं। भाइयों, ठंड में किसी भी मनुष्य पर ठंडा पानी गेर कर देख लो, तुरंत गर्म हो जाएगा। आजमा कर देख लो। भाइयों, मेरी पत्नी बहुत दयालु है। बर्तन मांजने के लिए गरम पानी देती है। क्या आपकी भी देती है गरम पानी? देख लीजिए, समय महत्वपूर्ण होता है। कल पंखे अपने से लगते थे और आज कंबल अपने लगने लगे हैं। ए भैया, एक बात पूछना था। ठंड में अगर एक बार नहा लें तो उसकी वैलिडिटी कितने दिनों तक रहेगी? बताइए। अब 20 मिनट बैठकर बाल्टी को घूरने वाले दिन आ गए हैं। हैप्पी ठंड। भैया, नाम में क्या रखा है? आजकल तो सूरज नाम का लड़का भी ठंड से कांप रहा है। भाइयों, आने वाली कड़ाके की ठंड को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला, नहाए हुए व्यक्ति को छूने वाला व्यक्ति भी नहाया हुआ समझा जाएगा। हैप्पी विंटर्स।